समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देवरिया जिले के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के शहीद स्थल पर आज जिले भर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन किया। इसमें सरकार द्वारा किसानों की उपेक्षा तथा बंद चीनी मिलों को चालू करने और शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की शहीद स्थल पर बनने वाले पर्यटन विभाग के ऑफिस का विरोध जताया। धरना में शामिल सलीमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही किसानों की विरोधी रही है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं उसमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इस सरकार में किसान, नौजवान सभी परेशान और हताश हैं। आने वाले आगामी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता को पता चल गया है कि भाजपा उनके साथ धोखा कर रही है। उपचुनाव को लेकर क्या पार्टी की तैयारी है और क्या दावा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनाथ से इसी से पता चलता है कि जिस अयोध्या के नाम पर ये राजनीति करते थे अब अयोध्या से लड़ के भागना चाहते हैं। अपने ही पार्टी के उम्मीदवार से मुकदमा कराकर अयोध्या से तो पहली बार भाग गए मिल्कीपुर और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता ये समझ चुकी है। जनता रोजी रोटी रोजगार महंगाई के मुद्दे पर वोट करने जा रही है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीट जीतेगी और उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के गुट बना लिया है और जो लोग सत्ता के घमंड में जनता को रौंद रहे हैं उनका सफाया हो जाएगा। इसको लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन देखिए, मोदी और हमारी सरकार के आँख खोलने के लिए हमारा ये प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का, जिसमें पूरे जनपद से हमारे साथी पार्टी के साथी आए हुए हैं। आज किसानों के सवाल पर देवरिया जनपद किसानों का बड़ा ही महत्वपूर्ण जनपद है और यहाँ पर जो अन्य 727 से 727 भी जो बनाए जा रहे हैं, पहले तो इस परियोजना पर सवाल किया गया है कि आखिर ये बताओ कि जो किसानों के कम रेट पर जो परियोजना थी उसको रद्द किया और गांव उजाड़ने वाली परियोजना लगा करके काफ़ी लागत की परियोजना चौगुना दाम पर बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने प्लाट को यूनिट माना, ये काश्तकार को यूनिट नहीं मानेंगे। जब प्लाट को यूनिट मानेंगे तो उसके पीछे इनकी मंशा है कि किसी तरह से काश्तकारों की भूमि 101 एयर हो जाए ताकि उसमें 2/3 की कटौती करके कर सके। सड़क के किनारे की जमीन और पीछे की जमीन का ये कहीं मूल्य लगा रहे हैं। मेरे पास लोग आए और कहे कि 22 लाख रुपया मैंने स्टैंप ड्यूटी देकर के बैनामा लिया, लेकिन जो मेरा मुआवजा बना है वो मात्र 5 लाख रुपये का। ये तो किसानों के साथ खुलेआम लूट है। इसी तरह से जो हमारे एनएच के किसान हैं, आप यह बताइए कि पूरे किसानों की सारी ज़मीनें जा रहे हैं, उनके आवास जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई मुआवजा में खुलासा नहीं। तो सबसे पहले तो इस मुआवजा वाला प्रकरण जो है सॉल्व किया जाए। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के मुख्यमंत्री जी आते हैं, कहते हैं हम बैतालपुर चीनी मिल चलाने की घोषणा करते हैं, लेकिन बैतालपुर में आज 6 महीने से वहाँ के कामगार आंदोलन पर हैं, आज तक वो चीनी मिल चलाने की कोई पहल नहीं। उसी तरह से गौरी बाजार चीनी मिल में लाखों हजारों लोगों का करोड़ों रुपया बाकी पड़ा है, मिल भी बिक गई, आदेश भी हो गया पैसा देने के लिए, लेकिन वो पैसा देने नहीं दे रहा। तो ये किसानों के सवाल है। उसी तरह से आप जानते हैं कि बहुत बिरले वैसा व्यक्ति होता है कि यहाँ रामचंद्र विद्यार्थी की समाधि स्थल पर हम लोग खड़े हैं। मेरे प्रयासों से पिछली बार किसी तरह से पुराने जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से यह एक कुंड का काम हो पाया, एक शहीद स्थल बन पाया। पर्यटन विभाग बनाने के तमाम ऑफिस हैं, सरकार के बहुत से ऑफिस आज भी प्राइवेट कमरों में चल रहे हैं, तो आखिर शहीद स्मारक पर ही क्यों पर्यटन विभाग का ऑफिस बनेगा? ये सवाल है। पूरे जनपद में हत्या, झूठ, छिनैती के मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। जो प्रभावशाली है उसके दबाव में संपूर्ण पुलिस थाने काम कर रहे हैं। जो तहसील है, तहसीलों पर भी गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही, ये सवाल है। उसी तरह से इसको मन कर रहा है, सत्ता संरक्षित अपराध पूरे जनपद में बढ़ रहे हैं। तो इन सवालों को लेकर आज समाजवादी पार्टी मैदान में है और आप हम लोग पत्रक देने जा रहे हैं, आगे भी हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।